ग्राम नागपुरा स्थित राम जानकी मंदिर की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति से महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर भूमि को बेचे जाने की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण व स्थानीय निवासियों ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के नागपुरा में स्थित राम जानकी मंदिर के नाम पर ग्राम निवासी गोविंद देवांगन के पूर्वजों के द्वारा लगभग 50 एकड़ भूमि को दान किए जाने की बात को लेकर 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुँच कर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मंदिर की जमीन को महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर लगातार बेचे जाने की नाराजगी जताते हुए गुहार लगाई। इसके साथ ही जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा जन आंदोलन किए जाने की बातें कही। गौरतलब है कि इस मामले में ग्रामीणों ने बताया है कि पहले ये मामला न्यायालय में आ चुका है, जिसके बाद भी मंदिर के महंत द्वारा फर्जीवाड़ा कर भूमि को बेचा जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। भगवान की संपत्ति मूर्तियों को विधि कानून में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, विधिक व्यक्ति है उसके मूर्ति के भी अधिकार उतने ही हैं जितने एक जीवित व्यक्ति के। आज संपत्ति रखने का अधिकार मूर्ति को है, जो दान में मिली हुई संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति है, उसको बेचना पूर्णतः अवैध है। बेची जा सकती है कलेक्टर परमिशन से, तो कलेक्टर परमिशन में भी ये देखना आवश्यक है कि क्या ज़रूरत है। आज 75 एकड़ ज़मीन उसकी आवक से ही मंदिर का रख रखाव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उस 75 एकड़ ज़मीन को निजी स्वार्थ के लिए बेचा जा रहा है महंत के द्वारा, और ये एक जघन्य अपराध। महंत सन्यासी है, खुद वो अब सन्यास लेकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ है, वो आज सांसारिक व्यक्ति नहीं है, वो सन्यासी है। इसलिए वो धार्मिक अपराध भी कर रहा है और कानूनन अपराध भी कर रहा है। और इसमें जितने प्रशासनिक तंत्र है, भगवान जो है अल्पवयस्क है, कानून की परिभाषा में भगवान को अल्पवयस्क माना गया है, और अल्पवयस्क के संपत्ति का संरक्षण का सबसे पहला दायित्व राजा का, ये हिंदू ला की बात बता रहा हूँ कि हिंदू ला में स्पष्ट रूप से प्रथम दायित्व राजा का है, और आज राजा की भूमिका में शासन है। शासन और प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है कि वो संपत्ति के भगवान की एक अल्पवयस्क की संपत्ति के संरक्षण के लिए उचित कार्यवाही करें, जिसमें शासन और प्रशासन पूर्णतः विफल है, जो कि निश्चित रूप से अपने प्रशासनिक अधिकारियों का भी आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। हम लोग ग्राम नागपुरा में 70-72 एकड़ कृषि जमीन भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भू अभिलेख में दर्ज है, और उसके पश्चात ग्राम रसमड़ा निवासी महंत धर्मेंद्र दास वैष्णव के सुपुत्र और उनके परिवार फर्जी तरीके से अवैध तरीके से कूट रचित कर बिना कलेक्टर के परमिशन के बगैर वह बेच दी गई है जमीन को। उसी संदर्भ में हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। उसके बाद भी हमारे कमिश्नर महोदय आदेश पारित करके माननीय तहसीलदार महोदय को भेजे हुए हैं कि जो भी नामांतरण हुआ है बेची गई जमीन में, जो जिस जिस नाम से नामांतरण किया गया है, उस नामांतरण को रद्द कर पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भू अभिलेख में दर्ज किया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय को अभी बता दिए हैं, अगर 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होता तो निश्चित रूप से हम समस्त ग्रामवासी हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। नागपुरा से यहाँ कलेक्ट्रेट में माननीय कलेक्टर महोदय जी को राम जानकी मंदिर के संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं। विषय यह है कि हमारे ग्राम नागपुरा में पूर्व में हमारे पूर्वजों ने 70 से 75 एकड़ ज़मीन जो दान दिए थे, उस दान की ज़मीन को हमारे महान जो है धर्मेंद्र दास वैष्णव जी है, जो रसमड़ा का रहने वाला है, आनन फानन में ज़मीन को पूरा बेच रहा है। वर्तमान में राम मंदिर के लिए एक भी ज़मीन नहीं बचा है। ऐसे में राम मंदिर का रख रखा और उनका पालन कैसे करेंगे, यही हम लोग समस्या लेके गांव में आए हैं। गांव से कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वर्तमान में इनका केस जो है न्यायालय में चल रहा है, मेरे चाचा जी उसका केस लड़ रहे हैं, आवेदक है वो अभी भी। उसके बावजूद भी इस प्रकार से सरकारी ज़मीन और मंदिर का जो निजी ज़मीन है, जो वर्तमान में ज़मीन जो है राम जानकी मंदिर के नाम से ही है, उनका ऋण पुस्तिका भी राम जानकी मंदिर के नाम से है। हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन जो यथावत मंदिर के नाम में आ जाए, और राम भगवान जो मंदिर यहाँ स्थापित है उनका हम अच्छे से रख रखाव कर सकें, यही हमारे मेन मुद्दा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।